ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक है, अच्छी बात है। हाँ अरे यार, हाय गाइस, मैं करतन और आप देख रहे हैं केवीएस। तो आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप बुक रीड कर रहे हो और आपको अचानक से बाहर जाना पड़े, और जब बाहर जाके आप वापिस आते हो तो फिर आप भूल ही जाते हो कि आप कौन से पेज पर थे। तो आपके साथ भी कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, और स्पेशली उन केसेस में जिन केसेस में बुक्स ज़्यादा थिक होती है। तो उसका सॉल्यूशन है एक बुकमार्क। आपको बुकमार्क आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको ये याद रहे, या फिर याद ना हो तो फिर आप जिस पेज पे थे उस पेज पे आप एक बुकमार्क लगाकर आपको पता चले कि आप कौन से पेज पर थे। तो नॉर्मल बुकमार्क में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर बुकमार्क में कोई आर्ट हो तो फिर मज़ा आएगा। तो आज के वीडियो में हम ये इमोजी बुकमार्क ये बनाने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे लाल से ग्रे कलर का कर दीजिए, और उसके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको भी दबाना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिर एक बुकमार्क, एक मुझे बुकमार्क बनाने के लिए आपको एक स्क्वायर का पेपर चाहिए। अंदर ये इसे कंपनी करते हैं, स्केच पेन या फिर मार्कर, पेंसिल, एक पेंसिल कलर्स और ग्लू। सबसे पहले इस स्क्वायर शीट ऑफ पेपर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे।
थोड़ा सा निकल जाएगा तो फिर आप स्टिकिंग टेप से उसे चिपका दीजिए, नॉर्मल स्टिकिंग टेप या कोई और टेप हो और उसका कोई कलर वाला हो तो फिर आपका बिगड़ सकता है। तो फिर आप नॉर्मल ऐसी एकदम प्लेन ही स्टिकिंग टेप यूज करिए। तो ये हमारा इमोजी बुकमार्क तैयार है। जब तक ये वाटर कलर सूख जाता है तब तक हम थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर देते हैं। तो फिर हमारा ये इमोजी बुकमार्क तैयार हो गया है। अब इसे कैसे यूज करते हैं वो दिखाता हूँ। तो ये एक बुक है, अब हम जो पेज रीड कर रहे हैं उस पेज पर हम इसे यहाँ पे लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि हम इस पेज पर थे। तो फिर ये हमारा बुकमार्क तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को KPIX।